हेलो दोस्तों, एसएससी स्टेनो का जो ग्रेड डी का स्किल था री स्किल, वो हो चुका है। उसमें कितने कठिन शब्द आए हैं वो हम आपको बताएं। सबसे पहले तो हम आपको ये क्लियर करना चाहते हैं कि रामधारी खंड वन से बोली गई थी डिक्टेशन, तो ज़्यादातर लड़कों का बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। रामधारी खंड वन से डिक्टेशन बोली गई थी और जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज है 67 और 68। उसने क्या किया है, केवल एक चेंजेस किया है। जो 67 एक्सरसाइज है रामधारी खंड वन की, वहाँ पे लिखा हुआ महोदय और उसने चेंजेस क्या कर दिया है, अध्यक्ष महोदय से बोला गया है और यहाँ पे लिखा है महोदय। बाकी सेम मैटर आपको मिल जाएगा रामधारी खंड वन में 67 और 68 का। उसमें देखिए कठिन किस किस टाइप के शब्द हैं, इस पर भी हम आपको दें। अध्यक्ष महोदय आ गया था, ठीक है, और आज हमारे तरीकों से, और उक्त क्रम एक कठिन शब्द था, संगठित रूप से था, बृहत्तर था, अल्पसंख्यक था, जाति के आधार पर था, कमरे था, साफ सुथरे था, अमुक था, और जितने भी कठिन शब्द इसमें और दिया, जैसे नीति संबंधी शब्द था, वातावरण था, मुझे आशा है कि, और सार्वजनिक क्षेत्र, इसकी डिक्टेशन भी हमने आपको रामधारी खंड वन में बोली थी, जो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। हमने रामधारी खंड वन 24 से लेकर के 94 तक बोली थी, क्योंकि हमें पता था इसी के बीच में ये आ जाएगा, तो हमने पूरा डिक्टेशन दी थी। और देखिए 67 और 61 एक्सरसाइज जो थी वो आप लोगों को वहाँ पे मिल गई है। मैटर किसी को भी कठिन नहीं लगा है, क्योंकि रामधारी खंड वन है, ज़्यादातर लड़कों ने प्रैक्टिस कर ली है। केवल सिंपल ये शब्द आए हैं, ठीक है, आप देखेंगे अपनी किताब से मिलाएंगे और सब कुछ इजीली आप लोगों को हो जाएगा। अब जैसे ही ग्रेड सी वालों का पेपर हो जाएगा, हम आपको तुरंत उसका रिव्यू बताएंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो, सभी लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।